मुझे रतनगढ़ से आते समय भी बस नहीं मिली बिल्कुल, रात को मैं वहीं बैठा रहा बस स्टैंड पर, और फिर मैंने ट्रेन पकड़ी बीकानेर जाकर, बीकानेर से जयपुर गया, जयपुर से अजमेर आया हूँ, और अब वापस जाते समय भी यही हालात है। तो इस प्रकार से अगर बसों की हड़ताल चलेगी तो आम जीवन जन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, और मुझे लगता है हमें तो एक दिन के काम के लिए चार चार दिन लग रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कुछ, इनकी उचित मांगे है वो तो पूरी करनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल यात्री परेशान हो रहे हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ एक भी बस नहीं चल रही है, और जो यात्री अजमेर आए हैं ख्वाजा साहब की दरगाह में पुष्कर के लिए, उनको जो आशा थी कि हम इतने बड़े शहर से तुरंत साधन लेकर वापस निकल जाएंगे, उनकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल चुकी है, और कुछ करना चाहिए इसके लिए, अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए तो, या ट्रेनों की अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। कैसे जाओगे आप? जी मैं अभी देखता हूँ कोई ट्रेन है तो उससे जाएंगे, नहीं तो यहीं रुकना पड़ेगा जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं हो जाती। आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार सोनी है, और मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय आबड़सन में प्रधानाध्यापक हूँ।